हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस का हमारा चल रहा है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो डेली आपको एक क्वेश्चन करा रहा था, प्रैक्टिस करा रहा था, तैयारी चल रही थी। तो डायरेक्शन चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर आया, तो एक दिन में एक चैप्टर नहीं करा पाया। कराया इसलिए नहीं, करा तो सकता था, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सर बहुत लंबी क्लास हो गई इसलिए नहीं कराया था। 30 के करीब क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन को क्योंकि समझाना होता है और बनाना होता है डायग्राम, तो 1 मिनट लग जाता है, लगभग 1 से 2 मिनट लग जाता है, क्योंकि समझाना भी, डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो 5-10 मिनट का काम है, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है और अगर समझ में नहीं आएगा तो बना के फ़ायदा क्या। तो बड़े आराम से लेके चलते हैं, तो इसलिए आधे घंटे की क्लास हो गई थी 15 क्वेश्चन में। फिर भी सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन को समझाने के बाद 2 मिनट ही लिए थे, क्योंकि समझाना भी था आपको। तो मुझे लगा कि और बनाऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टोटल इस चैप्टर में आपके 30 क्वेश्चन हैं। 15 मैं करा चुका था, आज दूसरा पार्ट इसका करा रहा हूँ, जिसके 15 क्वेश्चन आगे के आपको कराऊंगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी के 15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो भी सारे आपको कराऊंगा। आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर बनाने का अच्छा नहीं करते। वो सिंपल से मैं तो बिल्कुल लॉयल होकर जो मन में रहता है वो बोलता हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता अपना, क्योंकि मुझे इतना नहीं आता यूट्यूब को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे ऐसा करना है कि ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ये सब कुछ मुझे नहीं आता। टैग और ये बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, ना मेरे पे टाइम है और ना मैं सीखना चाहता एक्चुअली, क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझे पढ़ाना आता है और मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी काम आपका है, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ आप फीस नहीं दे रहे हैं मुझे, तो आप बस एक छोटा सा काम कर सकते हैं, एक शेयर कर सकते हैं, एक दोस्त को भेज सकते हैं, उससे भी यही कह सकते हैं, अगर अच्छे लगे तो, अच्छी लगे तो शेयर करो, अच्छी ना लगे तो खुद देख के छोड़ दो लेकिन अगर अच्छी लगे, लगे कि हाँ सर ने मेहनत की है, अच्छा खड़ाया है, तो आप अपने दोस्त को भेज दो, बस इतना कर दो। अच्छी लगी है तो उसके बदले बस इतना काम कर दो कि शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी देखें और देखेंगे तो अच्छा लगेगा। बस ये होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इतने बच्चों तक मेरी मेहनत पहुँच रही है, मेरी मेहनत सफल हो रही है, वो बच्चे जॉब लगेंगे तो बस ये कह देंगे कि हाँ रीजनिंग हम पढ़ के गए थे और हमारी पढ़ी हुई आई। बच्चा जब ये कह देता है ना कि सर हम एग्ज़ाम देने गए और आपका पढ़ाया हुआ आया, बस वो जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ी होती है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी टीचर को, मैं नहीं कोई भी टीचर हो, जब बच्चा कहता है ना सर आपका पढ़ाया हुआ आया, तो वो जो खुशी मिलती है कि आपकी वजह से आज हम यहाँ आए हैं, हमारी जॉब लग गई है, तो बहुत खुशी मिलती है हर टीचर को। तो बस वही चाहता हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचाओ। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ फीस लेने का। तो आप लोगों को काम ही है बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जुड़ें, बच्चे देखें, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है। बोर नहीं करूँगा, शुरू करते हैं चैप्टर। तो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको लिंक मिल जाएगी, आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगी और साइड में भी दिख जाएगी, कार्ड आता है यहाँ पे, मोर पे जाओगे ना जब नीचे डिस्क्रिप्शन, जहाँ मेरा नाम लिखा आ रहा है वीडियो का, इसका डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पार्ट मिल जाएगा, मैं वीडियो दे दूंगा वहाँ, आप देख सकते हो पहला पार्ट। तो 15 क्वेश्चन करा दिए। दूसरा मैंने प्लेलिस्ट बना दी यूपी पुलिस 2023 करके, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे यूपी पुलिस का सिलेबस समझाया और फिर चैप्टर वाइज जैसे लेके चल रहा हूँ वो पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें चैप्टर वाइज आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज दूसरा पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको साइड में दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों को, मैं लिखूंगा तो समय जाएगा, मैंने पिछली बार भी बोला था, तो क्वेश्चन साइड में दिखेंगे अच्छे से और मैं सिर्फ आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका समय बचे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मार्कर ले लेता हूँ मैं, कहाँ गया, हाँ मिल गया। तो 16वें क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया था कि रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, रमेश का मुख अब किस दिशा की ओर है। दो तरीके हैं डायग्राम क्वेश्चन करने के। 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मैं करके दिखाता हूँ। रमेश उत्तर की ओर जाता है, फिर बोला दाएं मुड़ता है, फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है, राइट, आपको पता है इधर घड़ी चलती है राइट, अब इधर जा रहे हो तो राइट नीचे हो जाएगा, तथा फिर आपसे बोला अब बाएं मुड़ता है, तो देखो घड़ी इधर चलती है, इधर दाएं तो बाएं हो जाएगा इधर। आपसे पूछा अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो इधर जा रहा है, और बेटा इधर कौन सी दिशा होती है, बोले सर इधर होती है पूर्व दिशा, तो आपका आंसर क्या हो गया, पूर्व, साइड में आपको दिख रही दिशा, डन हो गई बात। अब अगर ये चीज़ आप समझ गए तो एक तरीका था। दूसरा तरीका इसका शॉर्टकट है कि आपसे उसने बोला कि कहाँ चलना शुरू किया, बोले सर उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, सबसे पहले कहाँ मुड़े, राइट मुड़े, फिर कहाँ मुड़े, राइट मुड़े, और फिर कहाँ मुड़े, लेफ्ट मुड़े, आपको लिख लेना है जहाँ जहाँ वो मुड़ेगा। आपसे पूछा वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कुछ नहीं करना, एक राइट से एक लेफ्ट काट देना है, क्या बचा, राइट, बस आप उत्तर का राइट चेक कर लो, उत्तर कहाँ होता है ऊपर, राइट कहाँ हो जाएगा इधर, क्या दिशा आ गई, पूर्व, बिना सॉल्व करे 1 सेकंड में आंसर, उत्तर का राइट, उत्तर ऊपर, राइट इधर, पूर्व आंसर हो गया। तो उसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर कभी पूछो उसका मुंह किस दिशा में और राइट लेफ्ट दी हो तो डायग्राम मत बनाना, बिना डायग्राम बनाए भी आंसर कर सकते हो, वरना ये तरीका तो है ही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है। सुनीता दक्षिण की ओर जाती है,
तो मैं आप शॉर्ट में करके दिखाता हूँ, आपने लिख लिया दक्षिण, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। सुनीते का मुंह अक्की दिशा की ओर है, तो मैंने क्या बताया, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा लेफ्ट, बस दक्षिण का लेफ्ट चेक कर लो, दक्षिण का होता है नीचे, राइट इधर है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, दोबारा से आंसर क्या आ गया, खत्म हो गई बात। अगर नहीं समझ में आया तो डायग्राम से देख लो, कोई बात नहीं। दक्षिण में चली सुनीता, सबसे पहले लेफ्ट मुड़ी, इधर होता है राइट, घड़ी इधर चलती है तो लेफ्ट होगा इधर, फिर राइट मुड़ी, राइट हो जाएगा नीचे, और फिर लेफ्ट मुड़ी तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, फिर से इधर पहुंच गई, इधर कौन सी दिशा होती है पूर्व, आपका आंसर क्या हो गया। चाहे डायग्राम से करिए चाहे मेरे डायग्राम करिए, वो आपकी इच्छा, आपको कैसे करना है, मैं आपको दोनों तरीके से बता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन में, क्या बोला देखिएगा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, 18वें क्वेश्चन में बोला आपसे, सुबह के समय प्रबोध और दीपाली आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, यदि दोनों को एक रेखा से जोड़ा जाता है तो उस रेखा और प्रबोध की छाया के बीच बनने वाला अधिक कोण 135 होता है, दीपाली का मुख किस दिशा की ओर है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बच्चों से नहीं होता है और आप ध्यान से देखोगे तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। सपोज करिए ये खड़े हुए हैं प्रबोध और छाया, प्रबोध और दीपाली, जो उसने बोला मैंने बना दिया, ध्यान से समझना मेरी बात, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, गलत हो जाएगा वरना। अब उसने बोला कि प्रबोध की छाया और इस रेखा के बीच में 135 डिग्री का बाह्य कोण है, अगर इस रेखा से बाह्य कोण बनाना है तो आपको पता है ऐसे बनेगा, ये आएगा देखिए 135, क्योंकि बाह्य कोण बोला है, अगर वैसे देखोगे तो 45 डिग्री, लेकिन बाह्य कोण आ गया 135, यानी कि प्रबोध की छाया यहाँ पड़नी चाहिए, इस लाइन को जोड़ दिया मैंने, प्रबोध दीपाली ऐसे मान लिया, मैंने मान लिया कि ऐसे खड़े हुए, अगर ऐसे खड़े हुए हैं और मुझे इस रेखा से 135 डिग्री का कोण चाहिए तो ये कोण बनेगा लगभग 90 और 45, 135, बाह्य कोण 90, तो ये दिशा जा रही है। अब समय है सुबह का, अगर सुबह का समय है तो आपको पता है सूरज कहाँ होगा, पूर्व में, और सूरज पूर्व में होगा तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में, यानी कि इसकी परछाई मुझे यहाँ माननी पड़ेगी, तो ये दिशा क्या माननी पड़ेगी, पश्चिम। और आपको पता है बेटा अगर ये दिशा पश्चिम है तो नीचे क्या हो जाएगी, इधर, इधर हो जाएगी पूर्व, और पूर्व अगर ये है तो इधर क्या हो जाएगी, उत्तर, और ये उत्तर है तो इधर क्या हो जाएगी, दक्षिण। ये दिशा आपको माननी पड़ेगी, क्यों, पश्चिम का विपरीत पूर्व होता है, क्योंकि उसकी परछाई से बनी, तो ये परछाई मैंने इधर मान ली, और सुबह का समय परछाई तो पश्चिम में पड़ेगी, ये आपको जानते हो, तो ये मैंने पश्चिम दिशा मान ली, ये पश्चिम है तो उसके विपरीत में क्या हो जाएगी, पूर्व, और पूर्व हमेशा उत्तर के क्लॉकवाइज आता है ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, तो इधर उत्तर हो गया और इधर क्या हो गया, दक्षिण। आपसे पूछा दीपाली का मुख इधर है, तो दीपाली कहाँ दिख रही है, ऊपर, और ऊपर कौन सी दिशा है, तो देखो ऊपर जो दिशा आ रही है अब ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा को क्या कहेंगे, एक दिशा को हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम, मेरा आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन नहीं होता है बच्चों से, क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दोबारा करना ट्राई, नहीं आए तो फिर पूछना, वरना फिर मुझे मैसेज करना, मैं अलग से बताऊंगा आपको, क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये था हमारा क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम, मेरा आंसर हो गया। अब इसे थोड़ा सा रफ करते हैं 18 क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे, 18वें क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, नहीं होता बच्चों से, मैंने कई बच्चों से पूछा ये क्वेश्चन, होता नहीं है। 19वां क्वेश्चन ने बोला, यदि शीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर है और 40 मीटर की दूरी पर, तो देखो दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, बोले सर ये दिख रहा है दक्षिण पश्चिम ऐसे होता है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, तो आपको दक्षिण पश्चिम अगर बनाना है तो दक्षिण पश्चिम ऐसे होता है, तो उसने क्या बोला, शीना टीना से, तो ये हो गई शीना, शीना टीना से 40 मीटर दूरी पर दक्षिण पश्चिम है, तो ये 40 मीटर दक्षिण पश्चिम आपने बना दिया। फिर बोला, और रीना शीना से दक्षिण पूर्व की ओर, रीना शीना से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व वैसे होता है, ये आ गई रीना, रीना शीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, ये लो जी ये भी 40 मीटर हो गई। आपसे पूछा है फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में, फिर जो रीना है वो टीना के सापेक्ष, तो देखो रीना टीना से कहाँ है, नीचे है बिल्कुल, नीचे बिल्कुल कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, तो आपका आंसर क्या हो गया, तो कुछ नहीं करना था, वो डायग्राम बनाना था, आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका, दक्षिण, ये भी 40 ये भी 40 बिल्कुल नीचे आ गई, तो रीना टीना से कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहा है। 20वां क्वेश्चन बोला, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, आप बना दो, बी जो है वो ए के पश्चिम में है और 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर बोला सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में, तो सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर। फिर बोला, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, डी के पूर्व में, अगर ये डी के पूर्व में तो डी इस साइड होगा, ये डी आ गया, 2 किलोमीटर की दूरी पर, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर है और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर बोला ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर, जो ई है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर,
ये ई हो गया आपका, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर बोला और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो 2, 2, 4 और 5 बोला है, यानी कि इससे भी कहीं आगे होगा, एफ यहाँ कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2, 2, 4, 5 बोला है, 5 बोला है यानी कि इससे थोड़ा, ये किलोमीटर का बड़ा ध्यान रखना है, 2 ये है 2 ये 4 तो 5 इससे आगे होगा, ध्यान रखना, हो गया इतना। और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपसे पूछा है ए के सापेक्ष ए किस दिशा में, ए के सापेक्ष एफ, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, ऐसे आ गया, ये नीचे की तरफ टेढ़ा, ये कौन सी दिशा है, नीचे होती है दक्षिण, इधर होती है पूर्व, दोनों के बीच में है तो क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी दक्षिण पूर्व। मेरा आंसर हो गया दक्षिण पूर्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं, ध्यान से करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। जो जो बोले बस करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, डायग्राम बना लो, समझ में अपने आप आ जाएगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, सुबीर के सामने उनकी परछाई थी, अमल का मुख किस दिशा में। अब देखो शाम का समय तो सूरज होगा पश्चिम में, क्लियर की बात। अब अगर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, सुबीर के सामने उनकी परछाई, अगर सामने परछाई, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा करूंगा तो परछाई या तो राइट में पड़ेगी, क्योंकि इसका मुंह ऊपर इसका मुंह नीचे, तो राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट में पड़ेगी। अगर सामने पड़ रही है परछाई, मतलब ये लोग ऐसे बैठे होंगे, बैठे होंगे, डन है इतनी बात। अब यहां से किरणें जाएंगी तो परछाई या तो यहां पड़ेगी और या यहां पड़ेगी, या तो यहां पड़ेगी या यहां पड़ेगी बीच में। अगर मैंने यहां से परछाई यहां पड़वाई तो आप क्वेश्चन को समझिए, आपसे क्या बोला, यदि अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, सुबीर के सामने उनकी परछाई थी, उनकी परछाई किसके सामने थी, सुबीर के, दोनों के सामने नहीं बोला। अगर दोनों के सामने नहीं बोला मतलब यहां तो नहीं है, और यहां नहीं है सिर्फ सुबीर के सामने, इसका मतलब ये परछाई यहां से गई इस साइड पड़ेगी, ठीक, कहां पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी। अगर इस साइड पड़ेगी तो ये वाला कौन हो गया, सुबीर, क्योंकि सुबीर के सामने। तो आपसे क्या पूछा, तो आपसे पूछा अमल का मुंह किस दिशा में, तो अगर ये सुबीर है तो ये कौन हो जाएगा, बोले सर ये अमल हो जाएगा। तो अमल कहां देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। आपका आंसर क्या हो गया, पश्चिम, क्लियर हो गई बात। आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, इसका मतलब सामने परछाई पड़ रही है, सामने परछाई पड़ रही है तो मुंह या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में। मैंने आपको बता रखा है जब भी बाएं दाएं परछाई पड़ती है तो आंसर उत्तर या दक्षिण होता है, जब भी सामने या पीछे परछाई पड़ती है तो आंसर पूर्व या पश्चिम होता है। तो यहां सामने पड़ रही थी मतलब ये लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे और परछाई सुबीर के सामने पड़ रही है तो इसके पीठ के पीछे पड़ रही है, तो सुबीर के सामने यानी कि सुबीर का मुंह हो गया पूर्व की ओर, क्योंकि पश्चिम में है तो पूर्व की ओर मुंह होगा, सबका परछाई पूर्व में पड़ेगी। और अगर पूर्व में सुबीर का मुंह है तो अमल का कहां हो जाएगा, बोले सर पश्चिम में हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, पश्चिम। अगला क्वेश्चन 21वां हो गया, 22वां क्वेश्चन, 22वें में बोला यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर। आपसे पूछा है और आगे लिखा हुआ है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिया है बेटा और दक्षिण पश्चिम पूछा है, मैं पूर्व लिख देता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया, दक्षिण पश्चिम को पूछा गया, इसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, देखिए दिशाएं आपको बताएं, दक्षिण पूर्व ये होता है आप सभी जानते हैं, उसने बोला दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, देखो दक्षिण पूर्व उत्तर ये होता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना, दक्षिण पूर्व से उत्तर तक जाना है, चले गए, कितने खाने चले, 1, 2, 3 और कितने देर चले, घड़ी चलती है आगे, आप गए हो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में 3 खाने चले हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने खाने आप चले उतने खाने यहां पे चले जाओ। कौन सी दिशा पूछी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहां होती है, ये होती है, तो आपको यहां पे चलना है, घड़ी चलती है ऊपर तो आप नीचे जाओगे, कितने खाने, 3 खाने, 1, 2, 3 यहां पहुंच गए, ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई आपकी बेटा पूर्व, तो मेरा आंसर क्या आ गया, पूर्व, क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा 22वां क्वेश्चन। अब 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे बेटा, 27 क्वेश्चन आए थे, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आप सभी जानते हैं आज गणेश जी का विसर्जन ज़्यादातर लोग करते हैं आज के दिन, तो शायद उसकी आवाज़ है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिएगा, आवाज़ शायद आपको मेरी क्लियर आ रही हो लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आएगी, तो उसको थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैं करा चुका हूँ, अब देखिए क्वेश्चन साइड में दिखता रहेगा, आवाज़ मायने रखती भी नहीं है क्योंकि आप आवाज़ मत सुनो, भजन भी सुनते रहना, साइड में क्वेश्चन देख रहे, सॉल्व करते रहना, आप आवाज़ पर ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिख रहा है मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आवाज़ की जरूरत क्या है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए 23वें क्वेश्चन में बोला अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो अतुल उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, फिर आपसे बोला फिर दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाई ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर आपसे बोला फिर से दाई ओर मुड़ता है 5, फिर दाई ओर मुड़ गया, फिर से 5 किलोमीटर चला, ये 5 दोनों बराबर पहुंच गए, यहां पहुंच गया।
आपसे बोला अव्यय आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु ये था, यहां पहुंच गया, कौन सी दिशा में, इधर, इधर कौन सी दिशा होती है बेटा, पूर्व, तो आंसर क्या हो गया आपका, पूर्व। क्लियर। 24वां क्वेश्चन, 24 में बोला यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व को क्या बनाया है, उत्तर बनाया, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको, आपसे पूछा है यही क्रम आगे जारी रहता है, दक्षिण क्या हो जाएगा, इस बार आपसे दक्षिण पूछा है, देखिए करने का सिंपल सा तरीका, दिशाएं आपको बता रखी, दक्षिण पूर्व होता है ये, इसको उत्तर बनाया, उत्तर होता है ये, मतलब यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए कितने खाने चले, 1, 2, 3, तो आपको कुछ नहीं करना, दक्षिण पूछा है ना, दक्षिण होता है ये, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से जितने खाने यहां चले उतने खाने आप चले जाओ, तो 1, 2, 3 खाने चले थे, 3 खाने आप चले जाओ, ये 1, ये 2, ये 3, आप यहां पहुंच गए, ये दिशा कौन सी है, बोले सर ये दिशा है उत्तर पूर्व, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर पूर्व। क्लियर। दिशाएं आपको बताइए, साइड में दिख रही है आपको। क्वेश्चन नंबर 25वें क्वेश्चन में बोला अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, बेटा 25वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये वाला, तो 23 और 25 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, दो बार रिपीट हुआ है, दोनों पाली में आया था इसलिए दो बार दे दिया है, तो ये सेम नहीं करा रहा। आते हैं 26वें क्वेश्चन में, 26वें में बोला दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री, तो मुंह कहां है उसका, दक्षिण पूर्व, आपने लिख लिया दक्षिण पूर्व की तरफ मुंह है उसका, दक्षिण पूर्व की तरफ मुंह किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, 45 डिग्री चला बेटा घड़ी की सुई की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, फिर उसी दिशा में, फिर वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, फिर वह 180 डिग्री घुमा घड़ी की सुई की दिशा में, आपसे पूछा अब उसका मुंह किस दिशा की है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है बेटा, दक्षिण पूर्व कौन होता है, देखो दिशाएं आपको बनानी आनी चाहिए, ये होता है दक्षिण पूर्व, पहले 45 डिग्री चला घड़ी की दिशा में, चल दो, बोले ये हो गया 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री चला, तो चल दो 45, 90, 135, 180, यहां पहुंच गए, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर, आंसर क्या हो गया, जितना बोला उतना कर दिया, आपका आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। आखिरी क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा, जो 25वां क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था, मैं बता देता हूं, 23वें में तो दिशा पूछी थी, 25वां क्वेश्चन सेम था, लेकिन इसमें पूछी थी दूरी, तो आपको डायग्राम बना हुआ दिख ही रहा है, ये 5, ये 3, ये 5, आपसे दूरी पूछिए, 25वें क्वेश्चन में क्या पूछिए, दूरी, तो ये 5, ये 5, ये 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 3, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर याद रखना 3 किलोमीटर, क्वेश्चन तो सेम था, बस एक पाली में आपसे दिशा पूछ ली थी, दूसरी पाली में आपसे दूरी, तो पहली पाली में आंसर क्या आया, पूर्व आया, क्योंकि दिशा पूछी थी, दूसरी पाली में दूरी पूछी है, तो ये 5, ये 5, ये 3, तो ये 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन मैंने शो करा दिया 25वां भी, ताकि आपको डाउट ना रहे। 26वां ये हो गया, ये 26वां था। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, 27वें क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का 27वें क्वेश्चन ने बोला अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है वैसे, फिर भी बता रहा हूँ, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका बायां होगा इधर, और 3 किलोमीटर चलता है, आपसे बोला चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम गया 5 किलोमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान रखना, 5 किलोमीटर यहां पहुंच गया, आपसे बोला है अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु ये था, वो यहां पहुंच गया, ये दिशा पूछिए बेटा, यहां से कैसे ऊपर की तरफ टेढ़ा, ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, दोनों के बीच में, तो दिशा क्या आ जाएगी, दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, यह आपका आंसर होगा। क्लियर। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आपको आती रही है, डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बेटा पूजा पाठ का काम है ना, तो उसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी कल संडे है, कल हम लोग मोटिवेशन क्लास करते हैं, कल की छुट्टी रहती है पढ़ाई की, पढ़ाई नहीं कराता, लेकिन एक मोटिवेशन वीडियो जरूर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लिए छुट्टी नहीं है, आप लोगों के लिए छुट्टी है, आप पढ़ाई पे थोड़ा आराम करके, थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, तो 7 दिन पढ़ के 1 दिन आराम करना, मजे करना, दोस्त के साथ घूमो, वो भी जरूरी है लाइफ में, वरना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अब मैं आपको मोटिवेशन स्पीच एक 10-15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट की मुश्किल से 3-4-5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं कोई छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी सीख मिले और आप शायद उस स्टोरी को सुनकर अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें, ऐसी कोशिश करता हूँ मैं छोटी सी। तो संडे में आपको कल मिलेंगे और शाम में मिलेंगे, कल में रात में वीडियो नहीं मिलेगी आपको, तो प्लीज़ वेट मत करिएगा 8 बजे रोज, बाकी फिर मंडे से दोबारा से आपको 8 बजे वीडियो मिला करेंगी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से कमेंट करिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है, आप जो भी यूज़ करते हैं वहाँ मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको और डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। तो कल मिलेंगे इसी समय रोज रात 8 बजे, कल संडे है, कल की छुट्टी है, कल नहीं परसों मंडे से, आपको मंडे से सैटरडे रोज रात 8 बजे आपकी वीडियो चला करेगी, रोज आपको नया चैप्टर मिलेंगे, तो आज डायरेक्शन खत्म हो गया, कल नया चैप्टर मिलेगा मंडे में आपको, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभरात्रि।